आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ कि यदि आप उस कहानी को सुनते हैं, उसमें एक राजा की कहानी है और एक चिड़िया की कहानी है, जिसमें एक राजा को एक चिड़िया किस तरह निर्बल बना देती है और एक ब्राह्मण आके उन्हीं राजा को इतना सबल बना देता है कि वो अपने पूरे राज्य में वाहवाही के पात्र हो जाते हैं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। ये कहानी एक ऐसे राजा की है कि एक राजा अपने मंत्रियों के साथ में आहेर के लिए जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे शिकार के लिए। जब वो बीच जंगल में पहुँचे तो थोड़ा सा जंगल देखे, वो वीराना जंगल था। वहाँ पे पानी का, दाने का प्रमाण बहुत कम था। और जब उनकी नज़र एक पेड़ के ऊपर जाती है तो वो देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया जिसको दिखाई नहीं देता है और उसके पैर में भी समस्या है, वो चल भी नहीं पाती है और उसके आंखों से दिखाई भी नहीं देता है और वो किसी पेड़ पे जाके किसी तरह से बैठी हुई है। जब राजा की नज़र उस चिड़िए पे पड़ती है तो राजा को बड़ा ही ग्लानि महसूस होता है कि यहां पर यह चिड़िया जीवित कैसे रहेगी। राजा उसी के सामने बैठ जाते हैं और जब राजा वहां पे बैठते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ समय बाद एक दूसरी चिड़िया आती है और वो अपने मुख में से उसको दाना और पानी दोनों देती है। जब राजा देखते हैं कि चिड़िया इतनी असहाय है, डाल पे बैठी हुई है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, तो क्या इसी तरह जो लोग असहाय हैं क्या उसकी मदद भगवान करते हैं? एक चिड़िया जिसकी टांग टूटी हुई है, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसकी सहायता करने के लिए भगवान ने एक दूसरी चिड़िया भेजी और जो भगवान का रूप लेके आई उस चिड़िया के लेके जो उसके जीवन को बढ़ा रही थी। राजा इस चीज को देख के अपने आप को थोड़ा सा ग्लानि महसूस कर लिए, बोले क्या सचमुच में भगवान होते हैं? अपने मंत्रियों से सलाह लिया उन्होंने। मंत्रियों ने बोला कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। कहने का मतलब है कि भगवान बिना आंखों का सब कुछ देख लेते हैं और बिना हाथों का सब कुछ कर देते हैं और बिना पग के वो कहीं पे भी चले जाते हैं। बिन पद चलई सुनई बिन काना, बिना कान के सब कुछ सुन लेते हैं, ऐसे हैं भगवान, वो सब कुछ करते हैं। राजा को ये बात बहुत ही चुभ गई, उनको लगा कि सचमुच में भगवान होते हैं। ऐसा कहकर राजा अपने को एक घर में बंद कर लेता है कोठरी में जाके और वो भगवान की परीक्षा लेने लगता है। भगवान की परीक्षा इसलिए लेता है कि भगवान यदि उस चिड़िया की मदद कर रहे हैं, यदि भगवान हैं, तो मैं भी अपने को असहाय करके इस कोठरी में बंद करता हूं और भगवान यदि मेरी मदद करते हैं तो मैं जानूंगा कि भगवान असहाय की मदद करते हैं। इस बेसिक पे वो भगवान का भी परीक्षा लेने लगा राजा। राजा को बंद हुए कोठरी में इधर 7 दिन हो गए, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला उसको। राजा पानी के लिए तड़प रहा था, भूख से उसका जी निकल रहा था, जान चली जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसका हलक जो है वो कभी भी उसका साथ छोड़ सकता है, उसकी जान कभी भी जा सकती है। जो वहां के मंत्री थे वो सब परेशान थे, सब चिंतित थे। फिर मंत्रियों ने एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण जाके महाराज से मिला और महाराज से ब्राह्मण ने पूछा कि हे राजन, आप मुझे ये बताइए कि आप इस तरह से अनशन करके क्यों बैठे हैं, आपके अनशन का कारण क्या है? तो राजा ने पूरी बात बताई। राजा बोले कि एक ऐसी चिड़िया जो बिल्कुल असहाय है, जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसका टांग टूटा हुआ है और उसकी मदद करने के लिए एक दूसरी चिड़िया आती है, भगवान का रूप है वो। यदि भगवान इतना ही लोगों का मदद करते हैं तो फिर भगवान मेरा मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बात सुनकर ब्राह्मण उस राजन के ऊपर
हंसने लगा। राजा क्रोधित हो उठा, बोले हे ब्राह्मण, मैं इतना परेशान हूं, 7 दिन से मैं अनशन करके बैठा हूं और आप मेरे इस बात पर हंस रहे हो। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे आप ये बताइए राजन कि आपने उस चिड़िया को तो देखा कि जो अंधा है, जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसकी टांग टूटी हुई है, पर आपने उस चिड़िया को नहीं देखा कि जो उस चिड़िया की मदद करने के लिए कितनी दूर से पानी ला रही है, दाना ला रही है और उसको जिंदा कर रही है। आप उस चिड़िया का रोल अदा कर रहे हो कि जो अंधी है, जबकि प्रकृति ने आपको उस चिड़िया का रोल दिया है कि जो उड़ उड़ के दाना ला रही है, पानी ला रही है। ये बात सुन के राजा पूरी तरह से स्तब्ध हो गया, रुक गया और ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया कि हे ब्राह्मण देव, मुझे आपने जो ये बात बताई, जो मुझे आपने ये ज्ञान दिया कि मैं तो गलत तरीके से ले रहा था, मैं तो असहाय की भावना अपने मन में जागृत कर लिया था, लेकिन आपकी इस अनूठे वचन ने हमारे ज्ञान के चक्षु को खोल दिया है और मेरी गलती का मुझे एहसास आपने दिलाया है। इसलिए आज से मैं ये फैसला लेता हूँ, प्रण लेता हूँ कि हमारे राज्य में जितने भी असहाय हैं, मैं उन सबकी मदद करूँगा, उस चिड़िया की तरह जो उड़ उड़ के उस असहाय चिड़िया की मदद कर रही थी। तो इस कहानी का सिर्फ इतना ही शीर्षक है कि यदि आप नज़रें बदल दें तो नज़ारे बदल जाते हैं खुद ब खुद। यदि आप अपने देखने का जो दृश्य है, जो आपकी समझ है, यदि आप उसे चेंज कर लेते हैं तो सामने वाला सही है या गलत है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस हम कैसे हैं, हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, बस इसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिए। यदि कहानी अच्छी लगी हो, सचमुच में आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।